मर्द का जो ऑर्डर ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ है ना, वो ये है कि सबसे पहले पेरेंट्स हैं, फिर वाइफ है, फिर किड्स हैं, और फिर उसके रिलेटिव्स हैं। औरत का भी सेम है, लेकिन जैसी औरत की शादी होती है, दिस चेंजेस एंड दिस शफल्स। वो पहले माँ बाप थे, फिर जो है ना उसके शादी से पहले बहन भाई थे, रिलेटिव्स थे। जैसी शादी हुई, हस्बैंड आके टॉप पे, कंपनी बदल गई है, कंपनी बदल गई है, हस्बैंड सीईओ चेंज हो गया, सीईओ चेंज हो गया। और दूसरी बात है, अक्सर खवातीन क्या करती हैं, या तो अभी भी माँ बाप को रखा हुआ है, या अभी भी औलाद को सबसे पहले है, यानी औलाद सेकंड पे आती है। अल्लाह ताला ने बता दिया है कि मर्द कवाम है, तो मर्द को जो एक स्टेटस दिया है ना, जब तक हम उसको पहचानेंगे नहीं। मेरे इसमें भी दो चैलेंजेस होते हैं, एक ये कि खवातीन मर्द को कवाम माने और मर्द कवाम बन के दिखाए। अच्छा, इसमें हम मैं चाहूंगा यहाँ पे हम डिस्कस कर लें कवाम की डेफिनेशन, एग्जैक्टली इसको भी डिस्कस कर लें। कवाम का मतलब मर्द पता क्या समझते हैं, कोई चौधरी आ गया, सारे बैठ जाओ, सब छुप जाओ, डर जाओ, ठीक है, अभी हर की मेरी खिदमत में लग जाए, ये कवाम का मतलब नहीं है। कवाम का मतलब अथॉरिटी चलाना नहीं है, कवाम का मतलब होता है गिरते हुए को थामने का नाम कवाम है, रिस्पॉन्सिबिलिटी का नाम है ना, रिस्पॉन्सिबिलिटी का नाम है। आप उसकी सिक्योरिटी को, उसकी सेंस ऑफ सेल्फ रिस्पेक्ट को प्रोटेक्ट करें, आप उसको सेंस ऑफ ये जो सेल्फ सिक्योरिटी है उसको प्रोटेक्ट करें, और आप उसको यू शुड मेक हर फील कंप्लीटली कंफर्टेबल इन योर हाउस एंड लाइक अ प्रिंसेस। देखिए, आप लोगों को बताऊं, सबसे बड़ी बात तो जो उसी आयत में आ रही है ना, खर्च करने की बात आ रही है। आप देखें, आजकल का एक बहुत बड़ा चैलेंज ये है कि मर्द हजरात खर्च नहीं करते बीवियों पे, मतलब उन्होंने बहुत अच्छी गाड़ी रखी होगी, बहुत अच्छा खुद ड्रेस सेंस है, बाहर इतने शाही हैं, दोस्तों को खिला रहे हैं, पिला रहे हैं, बीवी को इतना मिनिमम बजट देते हैं और एक्सपेक्ट करते हैं कि वो उसी में गुजारा करें। Sometimes it is not possible for her, ना, इसीलिए तो वो हदीस में है ना, जो तुम खाओ उनको खिलाओ, जो तुम पहनो उनको पहनाओ। तो ये इसलिए कहा गया है कि जो मर्द अपने लिए स्टैंडर्ड रखे वही बीवी को भी दे, और बीवी के पास भी एक यार्ड स्टिक हो कि अच्छा जी, अगर वो खुद नहीं इतना अफोर्ड कर सक रहा और वो खुद भी इतना लिबास नहीं इतना पहनता या खाता पीता, तो ठीक है, फिर वो मुझे भी अगर काम दे रहा है तो बात समझ आती है ना। लेकिन अगर वही बात है कि हर जगह वो हातम ताई है और मेरे लिए वो कहता है कि कुछ भी नहीं है। अच्छा, ये भी होता है कि ये जो हम बात कर रहे हैं ना, कि जैसे अगर एक बीवी जाके जायज़ तरीके से हस्बैंड से कहती है खर्चा, तो वो जो आपने रेफरेंस दिया था रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का, कि उन्होंने बीवियों को अलग कर दिया, वो फौरन उस आयत का रेफरेंस देते हैं, मैं भी तुम्हें अलग कर दूंगा, और उन्होंने खर्चा मांगा था, सबके पास बहुत रेफरेंसेस हैं। मतलब बात यह है कि अगर एक वो जायज़ खर्चा मांग रही है, उसकी ज़रूरत है, तो आप उसको, और इन यू कैन अफोर्ड इट ना, उनका स्टेटस देखें, वो उन सर्कमस्टांसेस उस वक्त देखें। मतलब मुझे कई दफ़ा ये भी हैरत होती है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आयशा रज़ियल्लाहु अन्हा को साथ लेकर जा रहे हैं, और वो एक हार पहना हुआ है, वो गुम गया, वो हार पहन के जा रही है सफ़र में, वो एक कोई बड़ा सीरियस एक्सपीडिशन है, लेकिन उसमें अपनी बहन से लेकर हार पहन के जा रही है, अब वो हार गुम गया है, तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सबको ठहरा दिया और कह रहे हैं ढूंढो। मतलब आप वो लेवल देखें कि एक अपनी जौजा के लिए क्या है ना, मतलब हमारे वो भी तो देखें ना, हम एक एग्जांपल पे स्टक हो जाते हैं मर्द हजरात, और ये नहीं सोचते कि दे आर 100 पैरामीटर्स अलग वो भी हैं जिनको पूरा करने की ज़रूरत है। इसमें ना ख़वातीन का भी रोल है, जो ख़वातीन ने कमाना शुरू कर दिया ना, ये भी बहुत बड़ा मर्दों के लिए फितना बन गया। मर्द फिर हैंडीकैप होते जा रहे हैं, मर्द छोड़ देते हैं, एक ऑटोमेटिक सा ये साइकोलॉजिकल एक तरीका होता है कि अगर बीवी की जेब में पैसे हैं तो फिर मुझे ज़रूरत नहीं है उसे पूछने की, वो फिर वो जो कवाम होने वाला स्ट्रक्चर है ना, वो वीक होना शुरू हो जाता है। ये ना दो सेपरेट इंडिविजुअल्स बन के फिर आना शुरू हो जाते हैं, वो अब कहती है कि मैं कमा रही हूँ तो मेरी अपनी मर्जी, ये कहता फिर मेरी भी अपनी मर्जी, ये दोनों ये जो रिलेशनशिप है ना अपना लाइफ वो खत्म होना शुरू हो जाता है। अल्लाह ने ना डिपेंडेंसी रखी है दोनों पे, मर्द औरत पे डिपेंडेंट है अपनी जायज़ ख्वाहिशात पूरी करने के लिए और अपने सुकून के लिए, मोहब्बत के लिए, औलाद के लिए, और जो औरत है ना वो डिपेंडेंट है मर्द पे फाइनेंशियली, सिक्योरिटी वाइज, घर की पॉइंट ऑफ व्यू से। तो जब ये डिपेंडेंसी ख़त्म हो जाती है ना, और हर बंदा इंडिपेंडेंट हो जाता है, मर्द अपनी ख्वाहिशात बाहर गर्लफ्रेंड से पूरी कर रहा है और पोस्ट मैरिटल अफेयर से पूरी कर रहा है, और खातून अपनी फाइनेंशियल नीड जॉब से पूरी कर रही है, देन दिस डिस्ट्रॉयज द फैब्रिक ऑफ सोसाइटी। और जो बच्चे सफर करते हैं, वो कहते हैं व्हेन टू एलिफेंट्स फाइट द ग्रास गेट्स क्रम्बल्ड। और वो जो हदीस में आता ना कि अगर तुम हक पे भी हो फिर भी झगड़ा छोड़ोगे, आई गारंटी यू अ हाउस इन द कॉर्नर ऑफ पैराडाइज।